नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुमावो एंड आपका मेरे चैनल टेक्नोक्रेसी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक पुराना स्मार्टफोन है तो कैसे आप उसको कुछ हद तक फास्ट बना सकते हैं। तो फास्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा फास्ट बन जाएगा या फिर आपका फ़ोन सुपरसोनिक जैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपके पास एक बहुत पुराना स्मार्टफोन है तो ऑब्वियसली समय के साथ वो थोड़ा स्लो हो गया होगा, तो कैसे आप उसको फास्ट बना सकते हैं यही इस वीडियो पे मैं डिस्कस करूंगा। सो वीडियो के साथ बने रहिए एंड वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, रेडमी नोट 3, एंड ये थोड़ा पुराना है तो समय के साथ ये थोड़ा स्लो भी हो गया है। तो अभी अगर मैं कोई ऐप को ओपन करता हूँ एंड क्विकली अपने होम बटन को दबाता हूँ तो एज़ कम्पेयर टू ए न्यू फ़ोन ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, एज़ ये अभी थोड़ा ओल्ड फ़ोन हो गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि मैंने प्ले स्टोर खोला है तो इसको ओपन होने देते हैं। तो देखिए, ये ओपन हो गया है। अभी मैं अगर क्विकली होम बटन दबाता हूँ तो देखिए, ये थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू ए न्यू फ़ोन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर आपको अपने पुराने फ़ोन को फास्ट बनाना है देन आपको सिंपली एक सेटिंग करना है। आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाइए, देन आपको अबाउट फ़ोन के सेक्शन में आना है। मेरे फ़ोन में ये ऊपर है, आपके फ़ोन में ये एकदम नीचे मिलेगा। आप सिंपली अबाउट फ़ोन पे आ जाइए एंड यहाँ पे MIUI वर्शन, इसको आपको 5 या 7 बार दबाना है। आपका अगर कोई दूसरा फ़ोन है, रेडमी नोट 3 नहीं है या फिर जामे का कोई फ़ोन नहीं है, देन आपको वहाँ पे बिल्ड नंबर दिखेगा, आपको उस पर 5 या 7 बार उसको आपको क्लिक करना है। तो सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, मैं पहले से ही डेवलपर हूँ इसलिए यहाँ पे शो आ रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर। तो जब आप डेवलपर बन जाएंगे देन आपको बैक आना है, फिर आपको अपने फ़ोन पे ढूंढना है डेवलपर ऑप्शन किधर है। तो मेरे फ़ोन पे डेवलपर ऑप्शन मुझे एडिशनल सेटिंग्स पे मिलेगा, तो सिंपली जाना है एंड नीचे ये देखिए डेवलपर ऑप्शन, तो सिंपली इसको क्लिक करना है एंड यहाँ पे थोड़ा नीचे आने पे ये देखिए हमें यहाँ पे दिखता है विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे फ़ोन पे ये 1.5x है, तीनों ही 1.5x है। आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में शायद ये 1x हो या 2x हो या ऑफ हो। तो मैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए एंड अगर इसको हम मान लीजिए 10x कर देते हैं, सिमिलरली ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल को भी 10x कर दिया, सिमिलरली एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल को भी 10x कर दिया। तो अब आप देखिए, अभी अगर हम बैक बटन दबाते हैं देखिए कितना स्लो। तो इससे जो है आपका फ़ोन काफ़ी स्लो हो जाएगा। लेकिन सिमिलरली अगर आपको अपने फ़ोन को फास्ट करना है, वापस से डेवलपर ऑप्शन पे जाइए, देखिए कितना स्लो आ रहा है, नीचे जाइए, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, इसको आप ऑफ कर दीजिए या फिर 0.5x कर दीजिए। मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी। तो अभी अगर हम होम बटन दबाते हैं देखिए कितना जल्दी हो गया, ये दबाते हैं कितना स्पीड हो रहा है देखिए। तो अगर आपके पास एक पुराना फ़ोन है एंड वो थोड़ा स्लो हो गया है तो आप सिंपली ये छोटा सा सेटिंग आप कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करना, सेटिंग्स में जाना, अबाउट फ़ोन के सेक्शन में जाना एंड वहाँ पे आपको आपके फ़ोन के वर्जन को क्लिक करके डेवलपर बनना है। देन आपको डेवलपर सेटिंग्स पे जाना है एंड वहाँ पे जाके आपको सारे एनिमेशंस को ऑफ कर देना है या फिर ऑफ कर देना है या फिर 0.5x कर देना है। तो इससे जो है आपका फ़ोन कुछ हद तक फास्ट हो पाएगा। तो आज का ये वीडियो इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
if you want, and if you are subscribing, please do hit the bell notification, then you will be getting all the notifications from YouTube whenever I upload a new video. और अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं. इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.